हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जो कि है अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। देखिए, सबसे पहले जब आईपीसी था तब अबेटमेंट के बाद फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लिया गया था और अटेम्प्ट था 511 में। अब इनको क्या किया है, चैप्टर 4 में डाल दिया है। तो एक एक सेक्शन करके लेंगे, समझ आता जाएगा कि किस हिसाब से क्या क्या अमेंड किया है या क्या ऐड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अबेटमेंट दो पार्ट में। ठीक है, आज की वीडियो में हम 45 से लेके 52 तक करते हैं और उसके बाद अगली वीडियो में 53 से 60 करेंगे। तो अबेटमेंट में आते हैं 45 से लेके 60 सेक्शन तक। 61 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे और अटेम्प्ट जो है वो है आपका 62 में। तो 45 क्या कहता है, देखो, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। 45 में बेसिकली अबेटमेंट को डिफाइन किया है, जो 107 में पहले था, कि जो इंस्टिगेट करता है किसी पर्सन को, उकसाता है कुछ करने के लिए। ठीक है, और बी में है इंगेज करता है विद वन और मोर अदर पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ठीक है, इंगेज करता है एक या उससे ज़्यादा पर्सन को कॉन्स्पिरेसी में, इनकी कॉन्स्पिरेसी से डील करता है बी, आपका जो 45 का बी है। एक्ट और इलीगल ओमिशन जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के बाद होता है तब, ठीक है, तो वहाँ पे इंगेज करता है। और सी में एड करता है, इंटेंशनली एड करता है वही एक्ट या इलीगल ओमिशन से द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अब एक्सप्लेनेशन वन कहती है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, यानी कि कोई पर्सन है विलफुल मिसरिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ छुपा रहा है ऑफ अ मटेरियल फैक्ट फॉर विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, जो उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की। वॉलंटरली कॉजेज और प्रोक्यूर और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्यूर अ थिंग टू बी डन, तो वहाँ पे क्या होता है, इंस्टिगेशन। एक्सप्लेनेशन वन जो है एक स्टेप और लेके जाती है अबेटमेंट को। इलस्ट्रेशन देखिएगा, ए जो है पुलिस ऑफिसर है, वो वारंट है उसको कि उसको जेड को पकड़ना है। अब बी को पता है कि जो सी है वो जेड नहीं है, लेकिन उसको अबेट करने के लिए इंस्टिगेट करता है कि भाई जो सी है वही जेड है, आप उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी ने क्या किया, अबेट्स बाय इंस्टिगेशन। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन टू कहती है, हु एवर ईदर या तो ऑफेंस होने से पहले या उसके वक्त या उसके बाद सहायता करता है, तो वहाँ पे भी वो क्या होगा, एड होगी। जो थर्ड है सी, उसमें एड लिखा है, तो वहाँ पे वो क्या होगा, एड हो जाएगा, कि मतलब वो एक्ट के पहले या उस टाइम पे या बाद में जो हेल्प करता है। फिर कहा गया है 46 में अबेटर को डिफाइन किया गया है। अबेटमेंट हो गया 45 में, अब अबेटर है कौन, वो 46 में डिफाइन करते हैं कि अ पर्सन जो अबेट करता है ऑफेंस, उकसाता है। ठीक है, अबेटमेंट जो 45 में लिखा था सब कुछ वही, हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस को कमिट करता है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, ऐसा एक्ट को कमिट करता है अबेटमेंट के लिए जो ऑफेंस हो जाएगा, इफ़ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। ठीक है, दो चीज़ें बता दी, एक्ट का ऐसा कमीशन जो ऑफेंस हो जाएगा अगर कमिटेड किया है एक पर्सन ने जो कैपेबल है। ठीक है, यानी कि देखो इस तरह समझना, एक तो अबेट कर दिया, हु अबेट ईदर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। सेकंड है, ऐसा एक्ट जो ऑफेंस हो जाएगा जब एक पर्सन ने जो कैपेबल है लॉ के द्वारा कि वो कमिट कर सकता है, तो वो सेकंड पर्सन ले लिया है जिसका इंटेंशन और नॉलेज सेम था जो अबेटर। तो दूसरी डेफिनेशन में क्या कर दिया है, एक्ट को किया है। फर्स्ट में तो सीधा लिख दी ऑफेंस, लेकिन सेकंड में ध्यान से समझना, कमीशन ऑफ एन एक्ट, एक्ट का कमीशन जो ऑफेंस हो जाएगा कब, जब वो पर्सन कैपेबल होता करने वाला, जिसको अबेट किया है ना वो पर्सन कैपेबल होता
कमिटिंग एन ऑफेंस उसी नॉलेज और इंटेंशन से जो बेटर की है. एक्सप्लेनेशन वन कहती है, अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल दो द बेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू. इलीगल ओमिशन को लिया है यानी कि ना करना, वो एक्ट को ना करना, तो जरूरी नहीं है अबेटर वहाँ पे बाउंड हो उस काम को, क्योंकि इलीगल ओमिशन है ही वही कि एक्ट है और उसको नहीं किया, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है बेटर जो है वो बाउंड था उस एक्ट को करने के लिए. ठीक है. एक्सप्लेनेशन टू कहता है टू कन, अब यहाँ पे ध्यान रखना बाउंड नहीं था, इसका मतलब जो जिसको उसने उकसाया है ना वो बाउंड हो सकता है, लेकिन लिख दिया एक्सप्लेनेशन वन कर दिया, क्योंकि अगर ये बात आ जाए कि भाई अबेटर तो जो है वो वहाँ पे इलीगल ओमिशन जो हुआ है उसको बाउंड था करने के लिए, तो यहाँ लिख दिया मे नॉट बी, हो सकता है बाउंड भी ना हो, हो सकता है जो करने वाला है वो बाउंड हो तो होना चाहिए, लेकिन जो अबेटर है वो ना हो. ठीक है. एक्सप्लेनेशन टू कहती है और जो अबेटमेंट का ऑफेंस है जरूरी नहीं है वो कमिट हुआ हो या उसका जो है अफेक्ट हुआ हो. इलस्ट्रेशन से समझिएगा, ए में है ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई जा सी का मर्डर कर दे, बी मना कर देता है लेकिन ए को जो है गिल्टी होगा. ठीक है. और मैंने अफेक्ट की बात की, अफेक्ट में ये है कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि जा डी का मर्डर कर दे, बी क्या करता है इन पर्सन्स ऑफ द इंस्टिगेशन स्टैब कर देता है डी को, मारता नहीं है, तो डी रिकवर हो जाता है उस वाउंड से. ठीक है. अब ए क्या होगा यहाँ पे, मर्डर के लिए जो है इंस्टिगेशन उसका लगेगा जो भी वो लाइबल होगा, तो ये इफेक्ट, क्योंकि दूसरा इफेक्ट हो गया ना, उसने मर्डर के लिए कहा था उसने उसको ऐसे ही मार दिया, चाकू मार दिया मतलब स्टैब कर दिया डी को, तो वहाँ पे इफेक्ट दूसरा हो गया, तो फिर भी वो मर्डर के लिए लाइबल होगा. अब है एक्सप्लेनेशन थ्री. अब एक्सप्लेनेशन थ्री कहती है ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेट किया है वो कैपेबल हो या उसका सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज हो जो अबेटर का है. ठीक है. यानी कि आप किसी बच्चे को कह देते हो जो अनसाउंड माइंड है या फिर कोई बच्चा है कि जाओ ऐसे ऐसे एक्ट करके आओ, वो तो लाइबल नहीं होगा लेकिन आप ज़रूर होंगे. ये इलस्ट्रेशन है, इनमें ए में यही बात की गई है. अब बी में है ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट करता है बी को, जो 7 साल का बच्चा है. अब 7 साल के बच्चे को तो सज़ा वैसे ही नहीं होगी, वो मान लो कर देता है जेड का डेथ बी जो बच्चा है. अब बी तो कैपेबल नहीं है लेकिन ए को जो है ऐसे ही सज़ा होगी जो मर्डर के लिए होती है. ठीक है. सी में है जैसे ए इंस्टिगेट बी टू सेट फायर टू ए ड्वेलिंग हाउस. ड्वेलिंग हाउस मतलब जहाँ पे बंदे रहते हैं, लोग रहते हैं. बी को कहता है कि भाई जा आग लगा दे इसमें. बी है अनसाउंड ऑफ माइंड का, उसको नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो जाके आग लगा देता है, तो वहाँ पे ए जो है गिल्टी होगा, बी नहीं होगा, ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू अ ड्वेलिंग हाउस. अब डी है ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, चोरी के लिए इंस्टिगेट बी करता है टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजेशन. ए इंड्यूस करता है बी टू बिलीव दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए. ए टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ जेड्स पोजेशन इन गुड फेथ, बिलीव करता है कि भई ए की प्रॉपर्टी है. बी काम कर रहा है मिसकंसेप्शन में, क्योंकि ए ने कहा कि भैया मेरी है, तो डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयरफॉर उसका तो होगा नहीं थेफ्ट का, लेकिन ए जो है बैटिंग थेफ्ट के लिए हो जाएगा. उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन फोर कहती है कि अबेटमेंट का अबेटमेंट जो है वो ऑफेंस होगा. जैसे ए बी को कहता है कि तू सी को कह, तो वहाँ पे ए और बी दोनों लाइबल होंगे. इलस्ट्रेशन है ए इंस्टिगेट करता है बी को कि तू सी को कह कि वो मर्डर करेगा जेड का, बी सी को इंस्टिगेट कर देता है बी जा जेड का मर्डर कर दे, सी कमिट कर देता है ऑफेंस हो जाता है, तो बी इज़ लाइबल टू बी पुनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस विद द पुनिशमेंट फॉर मर्डर. और जबकि ए ने बी को इंस्टिगेट किया था तो ए और बी दोनों को सज़ा होगी. एक्सप्लेनेशन फाइव कहती है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय, यानी कि कह रहा है कि जहाँ पे अबेटमेंट हो रही है कॉन्स्पिरेसी से दैट द अबेटर शुड कंसर्न द ऑफेंस, तो ज़रूरी नहीं है वो उसके साथ मिलके काम करें. ठीक है. यानी कि कहता है कि जो कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट वाली है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है अबेटर जो है जो पर्सन कर रहा है उसके साथ मिलके काम करे, ये ज़रूरी नहीं होगा. इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं. ए कंसर्ट्स विद बी ए प्लान फॉर, ए और बी प्लान बनाते हैं कि भैया जेड को ना पॉइजन देंगे.
अब ए जो है एडमिनिस्टर करता है पॉइजन, बी करता है एक्सप्लेन द प्लान टू सी, ठीक है, थर्ड पर्सन को कि भाई ऐसे ऐसे इसको, और बी का नाम नहीं बता, ए का नाम नहीं बताता, बी बी सी को बोलता है कि ऐसे ऐसे हम पॉइजन देंगे, सी एग्री कर देता है पॉइजन के लिए कि ऐसे ऐसे उसे देंगे और डिलीवर कर देता है बी को कि अब तेरे जो पर्पस के लिए ऐसे ऐसे चाहिए था पॉइजन, ये लो। अब ए एडमिनिस्टर द पॉइजन, ए देता है उसको जेड को पॉइजन जो उन्होंने प्लान बनाया था, जेड मर जाता है। हेयर दो ए एंड सी हैव नॉट कॉन्स्पायर टुगेदर, अब सी ने हालांकि ला के दिया उसको, डिलीवर किया बी को, बी ने दिया ए को, अब ए और सी तो आपस में उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की, येट सी हैज़ बीन इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन पर्सन ऑफ विच जेड हैज़ बीन मर्डर्ड, तो सी हैज़ देयर फॉर कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन एंड लाइबल टू द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ठीक है। तो मिलके ना भी काम करें तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, सी भी वहाँ पे क्या होगा, लाइबल हो जाएगा। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेज आउटसाइड इंडिया, एक पर्सन है यहाँ पे इंस्टिगेट करता है फॉरनर को दूसरे किसी कंट्री में कि भाई वहाँ पे जाके उस कंट्री में आप कमिट कीजिए, तो ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ये था 108 ए में। अब ध्यान देना 48 जो है पहले सेक्शन आईपीसी में नहीं था, इसको क्या किया है, इंडिया के बाहर अबेटमेंट होना और इंडिया में ऑफेंस कमिट होना, यानी कि ए है अपनी कंट्री में, मान लो अमेरिका में, ठीक है, इंस्टिगेट करता है बी को कि जाके इंडिया में कमिट करो मर्डर, तो वहाँ पे ए भी क्या होगा, गिल्टी होगा बेटिंग मर्डर। 48 जो है नया ज्वाइन किया है, ये ध्यान रखना पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आईपीसी में ये पहले नहीं था। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, सेक्शन 49 देखो क्या कहता है कि कोई भी अबेट करता है ऑफेंस और वो हो जाता है, अब उस ऑफेंस की कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है कि भाई इसको अबेट करता तो ये होती, तो वो ऑफेंस के लिए ही क्या होगा, गिल्टी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहती है कि एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद द एड जो भी कंस्टिट्यूट करते हैं। अब ए देखो, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि फॉल्स एविडेंस देना है, बी क्या करता है, दे देता है, कमिट करता है वो ऑफेंस, अब ए जो है गिल्टी होगा उस ऑफेंस के लिए और सेम पनिशमेंट मिलेगी जो बी को मिलेगी क्योंकि ए को अलग प्रिस्क्राइब नहीं है इस संहिता में। बी है, अब देखो इलस्ट्रेशन, ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेट, ठीक है, ए इन पर्सन्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी डिलीवर करता है बी को क्या, पॉइजन, कि वो जेड को दे देगा, बी इन पर्सन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड इन एज एबसेंस एंड देयर फॉर कोज जेड डेथ, जेड की डेथ हो गई, हेयर बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी, सो हेंस अलग से कोई पनिशमेंट इसकी नहीं प्रिस्क्राइब है, इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर, 109 में पहले आईपीसी में ये था। उसके बाद है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर, यानी कि अबेटर से अलग इंटेंशन से काम करता है कौन, पर्सन जो अबेट हुआ है, यानी कि मैं आपको इलस्ट्रेशन समझा देती हूँ, इसमें नहीं है, मैं वैसे बताती हूँ आपको, ए और बी हैं, ठीक है, ए क्या हो गया इंस्टिगेट करने वाला, तो क्या हो गया, अबेटर हो गया, बी अबेटेड जो जिसको किया है वो, बी को कहता है कि भाई मर्डर जो है ऐसे ऐसे करना है जेड का, अब बी का कुछ और इंटेंशन था, उस दूसरे इंटेंशन से उसने वो काम किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, दोनों को सेम पनिशमेंट होएगी, ठीक है, ये बात कहता है सेक्शन 50, हु एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस शैल इफ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट, यानी कि जो अबेट हुआ है पर्सन वो करता है किसी दूसरी इंटेंशन या नॉलेज से फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर जिसने, मैंने कि ए से, तो वो सेम पनिशमेंट होगी जैसे कि उसने, माना जाएगा कि सेम इंटेंशन और नॉलेज की थी जो अबेटर की थी, ठीक है। उसके बाद है 51, अब ये कहता है कि अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी जब
एक एक्ट अबेट हुआ और दूसरा एक्ट हो गया। ए अब मैं चलो इलस्ट्रेशन साइंस में मैं उसे से बता दूंगी आपको। एक एक्ट अबेट होना था, दूसरा हो गया, तो वहाँ पे अबेटर सेम वैसे होगा जैसे कि जो ना जो डिफरेंट एक्ट हुआ है उसके लिए लायबल, जो उसके लिए ही उसने उकसाया हो वैसे हो जाएगा। लेकिन लेकिन प्रोवाइजो कहता है एक्ट जो हुआ है जो डिफरेंट वाला वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस होना चाहिए अबेटमेंट का एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। देखो ये आगे इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए ने इंस्टिगेट किया बच्चे को कि जाओ फूड जो जेड का है खाना उसमें पॉइजन डाल दो और उसको दे दो। चाइल्ड जो है वो ऐसा ही करता है, वो जाके दे देता है, रख देता है। अब जेड नहीं खाता उसको, वाई खा लेता है। अब बच्चा जो है ए के इंस्टिगेशन में काम कर रहा था, अब एक्ट हुआ है प्रोबेबल कंसिक्वेंस में भी। प्रोबेबल कंसिक्वेंस यहाँ पे क्या है कि भैया आप किसी को जाके खाना दोगे, हो सकता है उसके साइड वाला ऐसे ही कह ले चलो भाई मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, तो उसको प्रोबेबल कंसिक्वेंस अगर वहाँ पे है तो ए वाई जो मरा है, हालांकि उसने चाहा नहीं था, जेड की मर्डर चाहा था, उसकी डेथ चाही थी, तो लेकिन ए वहाँ पे ऐसे ही लायबल होगा जैसे कि उसने बच्चे को कहा हो कि जा वाई की जो है उसके में पॉइजन डालते। ठीक है, बी है ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस। ठीक है, ए इंस्टिगेट करता है बी को जाओ जेड का जो है हाउस उसको जला दो। बी वहाँ पे फायर कर दे लगा देता है, वहाँ पे आग लगा देता है और चोरी भी कर लेता है। ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द। अब ए को क्या किस चीज़ का मिलेगा कि भाई जलाने का अबेट हुआ था, उकसाया था। अब वो वहाँ पे चोरी के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि वो प्रोबेबल कंसिक्वेंस नहीं है, वो बी का अपना खुद का काम है। ठीक है, सी है ए इंस्टिगेट करता है बी और सी को टू ब्रेक इनटू एन इनहैबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी के लिए एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म्स फॉर दैट पर्पस। बी एंड सी ब्रेक इन टू द हाउस एंड बींग रेजिस्टेड बाई जेड वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर कर देता है जेड का। हेयर इफ दैट मर्डर वॉज द प्रोबेबल कंसिक्वेंस देन ओनली ए विल बी लाइबल। ठीक है, सिंपल है। अब है सेक्शन 52, अ बेटर वैन लाइबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। क्या कहता है देखो, 51 से रिलेटेड है ये। वहाँ पे क्या हुआ था, दूसरा एक्ट हुआ था। इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल 51 में इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड और एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गया है। ठीक है, ये कहता है अगर एक्ट जिसके लिए अबेटर लाइबल है 51 में, यानी कि अब 51 में क्या हुआ था, दूसरा एक्ट भी हो गया था, है ना, इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कंस्टिट्यूटेड डिस्टिंक्ट ऑफेंस दूसरा ऑफेंस, द अबेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। 51-52 इकट्ठा पढ़ा जाएगा, वहाँ पे डिफरेंट एक्ट हो गया था तो वो लाइबल, उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 51 में वो लाइबल है तो इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, यानी कि एक्ट अबेट हुआ है वो भी और जो दूसरा ऑफेंस हुआ है वो भी, अबेटर की क्यूमुलेटिव पनिशमेंट बन जाएगी। तो 51 की ही बात कर रहा है 52। ठीक है, इलस्ट्रेशन है, ए इंस्टिगेट करता है बी को टू रेजिस्ट बाय अ फोर्स और डिस्ट्रेस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट। बी क्या करता है, इन कंसिक्वेंट रेजिस्ट कर देता है। इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट देता है टू द ऑफिसर। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट को देता है एज बी हैड कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग और ग्रीवियस हर्ट, तो बी इज लाइबल टू द फॉर द बोथ पनिशमेंट। अगर ए को पता था कि वहाँ पे बी ऐसा काम करने वाला है देन ए विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। सो हमारा हाफ पार्ट हो गया अबेटमेंट का, नेक्स्ट वीडियो में 53 से 60 ले लेंगे, अबेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।